पीएम मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 300 बाल कीर्तनियों के जरिए प्रस्तुत किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल होंगे। यही नहीं, इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को इस बात की घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अयोध्या नगरी में रामलला का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान रामलला के गर्भगृह में स्थापित किए गए कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में धूमधाम से रामलला का 74वां प्रकट उत्सव मनाया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा अयोध्या में रामकोट के चारों तरफ परिक्रमा करती है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के पहले दिन रामलला के गर्भगृह में कलश स्थापित किया जाता है, जिसे लेकर प्राकटोत्सव के आखिरी दिन गाजे बाजे के साथ राम जन्मभूमि की परिक्रमा की जाती है। इस दौरान भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रथ पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ निकले। रथ पर आगे हनुमान के स्वरूप विराजमान थे तो पीछे हनुमान गढ़ी के निशान के साथ शोभा यात्रा चल रही थी। बताया गया कि साल 1949 से प्रकटोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन साल 1992 के बाद कानूनी अड़चनों की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से राम मंदिर ट्रस्ट ने इस प्रथा की शुरुआत की और धूमधाम से कलश की स्थापना की। मेरठ में पहली महिला बस चालक का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रियों ने तालियां बजाकर महिला बस ड्राइवर का वेलकम किया। असल में उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस चालक गाजियाबाद कौशाम्बी बस डिपो से यात्रियों से भरी बस लेकर मेरठ पहुंची थी, जिसके बाद मेरठ में महिला को बस चलाते देख बस स्टैंड पर महिला चालक का अभिनंदन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महिला बस चालक प्रियंका ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को रोल मॉडल बताकर उनका धन्यवाद किया, तो वहीं यात्रियों ने महिला बस चालक के जज्बे को सलाम करते हुए उनके काम को सराहा। योगी जी मोदी जी पे गर्व करती हूँ कि हमें महिला को भी उन्होंने मौका दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। हालांकि प्रियंका को अंडर ट्रेनिंग रखा गया है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले अप्रैल तक उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें रूट दिया जाएगा। और बड़ी खबर नेपाल से बता दें, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की आज एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी होगी। शाम करीब 4 बजे प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नए गठबंधन में नेपाल के 7 राजनीतिक दल सहभागी होंगे। प्रचंड इस बार केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। पीएम मोदी ने भी नेपाल के नए प्रधानमंत्री प्रचंड को शपथ ग्रहण से पहले ट्विटर पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मैं नेपाल और भारत की दोस्ती को और मजबूत करने पर जोर दूंगा और साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं।